हेलो 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 सॉरी यार बता मैं कौन? काजल। काजल नहीं, सुंदर। सुंदर जैसे ताजमहल सुंदर होता है ना, वैसे सुंदर बांगड़ो। जैसे डॉक्टर आनंद का ये सैनिटोरियम सुंदर है ना, है? जैसे मेडिकल स्टोर, जैसे खूबसूरत वाइन शॉप, शमशान घाट का गेट, म्यूनिसिपालिटी का गार्डन, है ना, ऐसा सुंदर। बोलो मैं कौन? काजल। एक बात बता, तू मुझे काजल क्यों बोलता है? इससे कि मैं काला हूँ? देख, सिर्फ काजल ही काला नहीं होता, सुंदर भी काला होता है। बोलना मैं कौन? काजल। सुंदर। काजल। सुंदर। काजल। सुंदर 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 मैं सुंदर हूँ, 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 मैं सुंदर हूँ। ओ की बच्ची, कितनी बार बोला है कि आने से पहले आवाज दिया कर, तोड़ दिया ना मेरा। क्या तोड़ा मैं? 440वां पेन, सब कुछ दिखता है। कहीं और कोई चीज टूट जाता तो पेशेंट को मैं क्या मुंह दिखाता? सब कुछ पेशेंट को बताएगा तो मेरे को क्या बताएगा? मैं बोलता कुछ है, सोचता कुछ और है। हे, क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुन। सुना? आती क्या खंडाला? खंडाला क्या आदमी है? तेरा नंबर वार्ड कब से खाली है? तुझे कुछ मालूम ही नहीं। मेरे स्टैचू भाई, निकाल दी ना हवा, निचोड़ दिया ना नींबू दूध में, डाल दी ना हट्टी कबाब में। ये क्या हो रहा है? सर सर, पेशेंट का बीपी बढ़ गया है। बीपी पेशेंट का नहीं, बीपी तुम दोनों का बढ़ गया। सर सर, पेन मेरा टूट गया है आज फिर। हेलो रवि। काजल। इसकी ना काजल पे सुई अटकी हुई है, पिन अटकी हुई है, ऑपरेशन करके निकाल दीजिए, उई उई करता रहेगा। सुंदर, काजल इसकी बीवी का नाम है, जिसे ये बहुत प्यार करता था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो क्या इसको मैं इसकी बीवी दिखाई देता हूँ? चुप। ये तो हमने सोचा ही नहीं। सुंदर, एक काम करो, ये कपड़े उतारो, साड़ी और ब्लाउज पहन कर आओ, हो सकता है इससे तुम्हें देखकर इसकी बीवी याद आ जाए। अगर ऐसा हो गया ना तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, इससे अगला पिछला सब याद आ जाएगा, इसका दिमाग ठीक हो जाएगा, और सोचो मेडिसिन के इतिहास में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। तुम दोनों फिर शादी कर लेना। अरे रे रे रे, तुम दोनों की शादी होगी, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। कैसे होंगे? ऐसे होंगे तुम्हारा ऑपरेशन। अगर मेरी शादी होगी ना तो जिंदगी भर कुंवारी मरेगी और यूं करते रहेगी। So, how are we today? काजल। आएगी तुम्हारी काजल, आना ही पड़ेगा उसे। आप इतने दिल से, दिल की गहराइयों से उसे याद करते हैं, उसे भी कांचन मिलता होगा, जरूर आएगी वो, आना ही पड़ेगा उसे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सेठ जी, बुढ़ापे में मेरी मिट्टी पलीत मत करिए। मेरी काजल की जगह एक नाचने वाली इस घर में आएगी। ची 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 ची। राम राम राम। एक बार देख तो लो ताई, कहते हैं बिल्कुल काजल जैसी है। खाक, जो कहता है उसके मुंह में खाक। ना तो मेरी काजल जैसी आज तक कोई हुई है, ना कभी होगी। चल भीतर चल। काहे सिंघाल बाबू, खा गए ना चक्कर? अच्छा, तो इनकी ड्यूटी पे आई हूँ। मैं कहूँ साहब जी, गुड मॉर्निंग बोलूँ? हाँ, घनी फंटास्टिक सजावट कर रखी है सेठ ने। मम्मी, मम्मी, मम्मी अब आ गए? आप कहाँ चले गए थे? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। ये कौन सी ड्रेस पहनी है मम्मी? फैंसी शो में गई थी, सो स्वीट।
प्रॉमिस किया ना आके वीडियो गेम खेलूंगी। अभी नहीं बेटे, अभी मम्मा थकी हुई है। अरे पापा कहाँ हैं? वो भी तो आपके साथ गए थे। वो दिल्ली गए हैं बेटे। मम्मा आ गई है, अब पापा भी आ जाएंगे। जाओ आप जाके सो जाओ। ताई, पूजा को ले जाकर सुला दो। छोड़, तुझे तो पवित्र करना पड़ेगा। राम राम राम। देखो ये बच्ची तो मने चोखी दिखे साहब जी, पर ये बुढ़िया मने टेढ़ी दिखे। ऐसी बात नहीं करते, अच्छी तरह बोलते हैं। हम इन्हें ताई कहते हैं। मेरी बेटी थी ना काजल, उसको इन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। हमारे लिए तो सगी हुई ना। हाँ हाँ साहब जी, पर हमारे लिए तो सौतेली हुई ना। आप समझा देना, बेफजूल में मेरी बेइज्जती खराब ना करें, मने प्रॉब्लम हो जाएगी। रवि वर्मा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। कहाँ छुपा रखा है रवि वर्मा को? मुझे नहीं मालूम, मैं सच बोलता हूँ, मुझे नहीं मालूम। सच बोलता है, सच बोलता है। सच तो ये है कि मेरे बाबूजी ने तुझसे रिश्वत ली थी। सत्य प्रकाश एक बेईमान अफसर था। वो गलती थी मेरी, मैं बहकावे में आ गया था। बहकावे में? किसके बहकावे में? रवि वर्मा के बहकावे में? हाँ शायद। कहाँ है रवि वर्मा? वो सेक्रेट सेक्रेट हार्ट सैनिटोरियम में। मुझे छोड़ दो। गया बैठना काजल। अब गिरना नहीं, संभाल कर बैठना, मैं एक मिनट में आता हूं। काजल बास्टर्ड, तूने मेरे बाबूजी की जान ली और तू सोचता है कि तू बच जाएगा। देख, अरे मेरी तरफ देख, देख मौत कैसी होती है, देख देख। शाबाश करण, शाबाश। जिसकी बहादुरी के किस्से मैं पढ़ता था अखबारों में, आज एक मुर्दे को मार रहा है। ये मुर्दा नहीं है डॉक्टर, ये मुर्दा मेरी गोली खाने के बाद होगा। अच्छा खासा ये लगता है। तुमने इसकी हालत पर गौर नहीं किया। देखो इसे, गौर से देखो। ना होश है ना एहसास, ना दुख जानता है ना सुख जानता है, ना जीना जानता है ना मरना जानता है। और ये हालात तुम्हारी वजह से हुए हैं। क्या कसूर था इसकी पत्नी का जो बेवजह मारी गई? कसूर तो मेरे सीधे साधे ईमानदार बाबूजी का भी नहीं था। तो इसीलिए तुम अनाप शनाप लोगों को मारते फिरोगे? इसे मारोगे, मुझे मारोगे, सबको मार दोगे, क्या होगा उससे?
तुम्हारे बाबूजी फिर से जी उठेंगे, बड़ी शांति मिलेगी उनकी आत्मा को। हाँ हाँ, मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। ये जो तुम्हारे सीने में बदले की आग है ना, उसकी तसल्ली के लिए तुम इसको मारना चाहते हो। मारो इसको, जान से मार दो इसको। वैसे भी ये एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं है। बड़ी मेहनत कर रहा था मैं कि शायद मैं इसको एक नई जिंदगी दे सकूं, पर नहीं। जल्द से जल्द ठीक कर इसे डॉक्टर, दे इसे जिंदगी। जिस दिन तू इसे जिंदगी देगा, मैं इसे मौत दूंगा। बहुत सिर्फ बहुत। क्या हुआ? 5.5 महीने का बच्चा है। ये है टीना, कमाल की हसीना। इसके साथ मेरा चक्कर चल रहा था, मगर इसका आदमी बड़ा कमी ना था, वरना मेरी शादी से हो जाती, मेरे 5.5 बच्चे हो जाते। क्या हुआ, नहीं समझा? दूसरा सुन। एक लड़का जा रहा था, मुझसे भी काला, सफेद कपड़े पहनकर। एक सदाजी ने देखा, उसको बोला, ओए तेरे पीछे काला काला डामर लगा हुआ है। उसने कहा, सदाजी मजाक मत करो, मेरी पैंट पीछे से फटी हुई है। क्या हुआ, नहीं समझा? तूने मुझे बहुत पकाया ना, मैं भी तेरे को पकाऊंगा। तीसरा सुन। एक लड़का भागता हुआ है अपनी मम्मी से, बोला, मम्मी मम्मी मम्मी, किचन में ना रामू नौकर है ना, लक्ष्मी नौकरानी से चुम्मा चाटी कर रहा है। उसकी माँ गुस्से में आकर उसको बुलाकर डांटी, बेवकूफ उल्लू कपट्टे ऐसे काम करता घर में। तो बच्चे ने कहा, मम्मी मम्मी, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, वो रामू नहीं था, डैडी थे। क्या हुआ? कुछ कुछ होता है, है? तेरे बगैर मेरा कुछ नहीं होता है, तेरे वो कुछ कुछ होता है। कल किधर गई थी तू? अरे नहीं मैन, कलम पिक्चर देखने गया था, कुछ कुछ होता है, है? मेरे बगैर मेरे को लेके नहीं गई तू? तुम हमको पिक्चर हॉल में पिक्चर कहाँ देखने देता है मैन, तुम तो हमको। आजा फिर तो पिक्चर दिखा दो, पिक्चर दिखा दो, आजा आजा। रवि, रवि, अरे को रोको उसको, अरे रवि, अरे बचाओ। तू औरत है कि बुलडोजर देख मेरा क्या हाल बना दिया। पकड़ लिया। हाय, क्या पकड़ लिया, किसने पकड़ लिया, क्यों पकड़ लिया, पकड़ लिया। इतनी जल्दी हमारा साथ छूटने वाला नहीं है दोस्त, नहीं जाने दूंगा। डाकू सचमुच आया था या फिर ऐसे ही? नहीं, डाकू, तेरा भगवान भला करे, ऐसे रोज आया कर यार। ये सब क्या है मिस्टर सिंघल? क्या है डॉक्टर आनंद? वो करण का बच्चा हद से आगे बढ़ रहा है, हमें डर है कि वो यहाँ ना आ जाए। लेकिन वो तो यहाँ आ चुका है। कौन, करण? लेकिन रवि तो ठीक है ना? हाँ रवि तो बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहे हैं आप, करण यहाँ आ चुका है और रवि फिर भी? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि शेर कभी मुर्दों का शिकार नहीं करता। डॉक्टर, आप करण को शेर कह रहे हैं? नहीं, मैं मिस्टर रवि को मुर्दा कह रहा हूं। रवि की तो हालत देखी है ना आपने, उसकी जान को तब तक कोई खतरा नहीं जब तक वो अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाता। डॉक्टर, रवि अच्छा कब होगा? जब आप काजल को उसके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। क्या हुआ आपकी काजल का, वो तैयार हुई कि नहीं? अरे अरे, इधर कहाँ चली आ रही है, इधर कहाँ चली आ रही है, मतलब भूख लगी है, कुछ खाने को लेने आई। हाँ हाँ हाँ, उधर चल उधर, खबरदार जो मेरी रसोई के भीतर पांव धरा तो, नचनियों का डेरा समझ रखा मेरे घर को। उठाया मुंह और चली आई भीतर। ये ले खाना, ठूस ले, ले। मर भर का धर्म करम सारा मिट्टी में मिला दिया। ये कहाँ चली गई? राम राम राम, ये क्या है, ये क्या मतबल? बढ़िया, तू क्या समझे मने? हाँ, ऐसे खाना फेंके, कुतिया समझे मने? भक्ति तो वैसे ही है, भक्ति नहीं काटती भी हूँ, दिखाऊं काट के? आगे बढ़ी तो काट के रख दूंगी। हाँ। जिंदा छोड़ूंगी तब ना।
तेरी तो बुढ़िया सुश्री तेरी तो इज्जत करी कजरी की अरे कजरी तेरी काट काट के पीस पीस के टुकड़े कर देगी इज्जत करी ए बुढ़िया बहुत बड़ा पूरा ले लिया तूने क्या हो रहा है ताई क्या हो रहा है ये बेटी तो खो चुका हूँ सोचा शायद रवि की जिंदगी बचा सकूं जिसकी जिंदगी काजल के नाम पर टिकी हुई है अब नहीं बचा पाऊंगा उसे अब नहीं बचा पाऊंगा नहीं, उसे नहीं सेठ जी ऐसा मत कहो मेरी उम्र भी लग जाए जमाई राज सिर्फ कह देने भर से कुछ नहीं होता कितनी उम्मीद थी कि तुम इस लड़की को काजल बनाकर रवि के सामने ले जाने लायक बना दोगी लेकिन तुम्हें तो अपनी नफरत से ही छुटकारा नहीं मिलता बुढ़िया अरे आ गई ए लड़की जाओ यहां से छोड़ दो हमारी किस्मत के ऊपर हां हां जाती हूं सब जी जाती हूं गुड मॉर्निंग अरे तेरे नोटों की खातिर नहीं आई थी गजरियां ना धोखे में आई थी धोखे में कि गजरी देख कर बड़े लोगों का घर कैसा होता है ऐसा होता है साला ससुरा ऐसा होता है जी जाती हूं और तेरे नोट भिजवा दूंगी तेरे को मैं फिर मत कहियो कि गजरी ने कही नहीं हाय राम सॉरी पुरी सिर फोड़ लिया कमबख्त की मारी ने सॉरी पुरी